चंबा के ऐतिहासिक चौगान में ईट राइट मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ मुख्यतिथि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल ने किया। इस दौरान बोलते हुए विक्रम जरियाल ने कहा है कि जिला के उच्च गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद विशेषकर युवाओं में आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला में अधिकांश लोग कृषि एवं बागवानी आधारित गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय कृषि उत्पादों के व्यवसाय से बेहतर आय अर्जित करने वाले स्वयं सहायता समूह और विभिन्न संस्थाओं के कार्यों से विक्रम सिंह जरियाल ने विशेषकर युवाओं को प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि मेले के दौरान अपने उत्पाद प्रदर्शित करने वाले विभिन्न स्वयं सहायता समूह संस्थाओं को अपने पारंपरिक कृषि उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध हुआ है। इस दौरान बेबी शो, योगाभ्यास, रस्साक्षी प्रतियोगिता, म्यूजिक चेयर रेस, शेफ कंपटीशन, मिनी मैराथन, साइकिल रेस, तंबोला व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पहले तो मैं जिला चंबा के डीसी साहब और यहाँ के जो तेजधार विधायक है हमारे, उनका धन्यवाद करना चाहिए। हर एक चीज को अच्छे तरीके से ये लोगों में जो है हाथ दिखाते हैं। और आज आज़ादी के महोत्सव के ऊपर ये ईट राइट्स का जो एक इन्होंने आज एग्जीबिशन टाइप लगाया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। ये इसलिए जो हमारे नौजवान आने वाले हैं, जैसे कि बात चली थी कि हम जब कोरोना टाइम था, इससे ज़्यादा भी है, तो ईट राइट्स जो लिखा हुआ है, ये अपनी जो नेचुरल चीज़ें हैं जो जैविक खेती से तैयार की है, ऑर्गेनिक्स हैं, इनको खाते तो शायद हमारी इम्यूनिटी जो वीक ना होती और बढ़ती, तो शायद किसी इतना हुआ तो नहीं, हमारे में इतना नहीं होता। परंतु आज इस चीज़ से जो ई ट्राइस का जो दिखा रहे हैं हमारे डी साहब और हमारे मेरे बड़े भाई यहाँ के चंबा नरेश नहर जी, इससे लोगों में जागरूकता भी आएगी। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं जो कि वाइट कॉलर की तरफ भाग रहे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर ये चीज़ें हम करें तो इससे क्या होगा, हमारी हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारी आर्थिक स्थिति भी इससे सुदृढ़ होगी। तो ये इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं पहले तो बधाई देता हूँ अपनी सरकार को भी और प्रशासन को भी कि हमारे जिला चंबा में जो पिछड़ा जिला एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, मुझे दुख होता है जरा पिछड़ा जिला बोलते हैं, परंतु अब घोषित किया तो हमें मानना पड़ेगा। और मैं प्रशासन को बोलता हूँ, पिछली मीटिंग उस टाइम बोला, और मेरे जो ये विधानसभा के सहयोगी इनको बोलता हूँ कि चंबा को हमने अग्रिम जिलों में लाके खड़ा करना है, ताकि कोई हमारी चंबा की तरह उंगली नहीं करके हमारा जिला चंबा पिछड़ा हुआ है।